जी, तो फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा लोगों से रिलेटेड है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के लोगों होते हैं। ठीक है, आज की क्लास हमारी थ्योरी बेस पर है, प्रैक्टिकल आज की क्लास में हम नहीं करने वाले। सबसे पहले हमें थोड़ा सा थ्योरी को समझना है और लोगों के टाइप्स को समझना है और इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ लोगों के टाइप्स बता दूं कि हमारे पास लोगों के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, आप लोग तो सिंपल शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को टाइप्स के बारे में पता हो शायद, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को टाइप्स के बारे में नहीं पता होगा, वो सिर्फ सिंपल इसको एक लोगो ही कहते होंगे। लेकिन इस लोगो के पीछे क्या चीज़ है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या प्रिंसिपल्स कहता है हमारे पास लोगों का, तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत टाइप्स के लोगो देखे होंगे, जैसे कि आपने पेप्सी का लोगो देखा होगा, आपने एप्पल का लोगो देखा होगा जो कि बहुत ही ब्रांडेड है। ठीक है, आपने कोको कोला का लोगो देखा होगा। तो ये सारे आप हर लोगों को अगर देखें तो हर लोगों के जो टाइप्स हैं, ठीक है, जो उसके अंदर डिज़ाइनिंग है, जो उनका कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सा चेंज है, मुख्तलिफ है। ठीक है, और लोगो होता क्या है, ठीक है, लोगो समझ लें आप, एक तरीके से आपका एक मार्क है। ठीक है, लोगो क्या है, आपका एक मार्क है। जैसे कि हर कंट्री का जो एक मार्क होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसका एक फ्लैग होता है, जो कि वो फ्लैग क्या करता है, हमारे उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो सेम इसी क्राइटेरिया को देखते हुए क्या हर कंपनी का भी एक अपना लोगो होता है, जो लोगो क्या करता है, उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और लोगो के अंदर इन तीन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, लेजिबल वो लोगो होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए वो लोगो, और रीडेबल होना चाहिए। ठीक है, ये तीन चीज़ें बहुत मायने रखती हैं हमारे उस लोगो के अंदर, हम उसको लोगो को मार्क भी कहते हैं। ठीक है, आप मार्क भी उसको कह सकते हैं और लोगो भी कह सकते हैं, जो कि क्या लोगो क्या करता है, कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कंपनी की आइडेंटिटी होती है एक लोगो। ठीक है, जैसे कि हर कंट्री का उसका फ्लैग होता है, उस फ्लैग के अंदर भी अगर आप देखें तो वो फ्लैग काफ़ी नॉर्मल सा होता है। ठीक है, लेकिन उस फ्लैग को देख के आप उस कंट्री को जान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने बहुत सारे फ्लैग्स देखे होंगे और उस फ्लैग्स को आप देख के ये समझ सकते हैं कि ये जो कंपनी है किसको रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी भी बिल्डिंग के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल श्रीलंका का अगर फ्लैग लगा हुआ है, तो आप ये समझ सकते हैं कि यार जो ये बिल्डिंग है वो तो शायद श्रीलंका के डिपार्टमेंट है या कोई भी चीज़। ठीक है, तो इस तरीके से हर कंपनी का अपना अलग अलग लोगो होता है। तो सबसे पहले मैं आपको सेवन टाइप्स ऑफ लोगो होते हैं हमारे पास, जो मेन टाइप्स हैं लोगों के वो सेवन है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ लोगो इंक्लूड हुए, तो उसको मैं एंड में आपको बताऊँगा। अभी जो हमारा पहला लोगो है उसका नेम है एम्ब्लेम लोगो। ठीक है, यहाँ पर मैं एम्ब्लेम लोगो टाइप करता हूँ और इमेजेस पे हम चले आते हैं। ठीक, तो जैसे ही यहाँ पर मैंने एम्ब्लेम लोगो लिखा, ठीक है, तो आप देखें एम्ब्लेम लोगो से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर लोगो हैं वो सब आ रहे हैं, क्योंकि फेमस जितने भी लोगो हैं यहाँ पर वो शो हो रहे हैं। ठीक है, इन सारे लोगों का जो नेम है वो दरअसल एम्ब्लेम लोगो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इस लोगो को अगर ओपन करूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हार्ली डेविडसन आ रहा है, यहाँ पे स्टारबक का आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर पैरामाउंट का ये लोगो है। तो इस एम्ब्लेम लोगो में कैसी डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है, कब एम्ब्लेम लोगो बनाना चाहिए, कब नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो एम्ब्लेम लोगो देखें, उस वक्त आप बना सकते थे। एम्ब्लेम लोगो को हम बैच लोगो भी कहते हैं, ठीक है, एम्ब्लेम लोगो को हम बैच लोगो भी कहते हैं। और एम्ब्लेम लोगो के अंदर ये होता है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है या कोई भी हमारा शेप या कोई भी ऑब्जेक्ट, वो किसी ना किसी शेप्स के अंदर जो है ना, ठीक है, वो किसी ना किसी शेप्स के अंदर टाइप हुआ हुआ होगा, या वो इमेज जो है हमारा उस ऑब्जेक्ट के और शेप के अंदर होगा। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देखें इस मोटरसाइकिल्स पर ये जो एक लोगो आ रहा है हार्ली डेविडसन का, ये काफ़ी फेमस लोगो है। ठीक है, शायद बहुत सारे बॉयज़ अगर यहाँ पर हैं जिनको भाई बाइक्स वगैरह से मोटरसाइकिल्स वगैरह से काफ़ी इंटरेस्ट है, तो उनको पता होगा ये कंपनी हार्ली डेविडसन। तो आप इस लोगो को अगर देखें तो ये लोगो किस तरीके से यहाँ पर एक आइकन यूज़ हुआ हुआ है, एक सैम्बल आप कह लें या कोई शेप, और इस शेप के अंदर इन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है, टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट यूज़ हुआ हुआ है, और ये ज़्यादातर जो एम्ब्लेम लोगो का यूज़ होता है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ओल्ड ट्रेडिशनल अगर कोई भी प्रोडक्ट या कंपनी है, ठीक है, तो देन वो लोग एम्ब्लेम लोगो का यूज़ करते हैं।
ठीक है। और एमएलएम लोगों को या उस वक्त भी हम यूज़ करते हैं कि भाई वो बहुत ही पुरानी, मतलब कोई ट्रेडिशनल चीज़ जो कि बहुत ही ओल्ड हो, वो अभी तक चलते हुए आ रही है। तो जो हमारे पास ये एमएलएम लोगो है वो हमें वाई भी प्रोवाइड करते हैं किसी ओल्ड ट्रेडिशनल चीज़ों का, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अच्छा है, आप लोगों ने एमएलएम लोगो अपने स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस वगैरह में, ठीक है, बहुत सारे एमएलएम लोगो देखा होगा आप लोगों ने। आपके स्कूल्स वगैरह का भी काफ़ी सारे जो लोगो होता है वो एमएलएम टाइप्स का होता है, ठीक है। ये अगर मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह की बात करूँ, देन वो लोग भी यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, ज़्यादातर एमएलएम लोगो, ठीक है, एमएलएम लोगो वगैरह वो लोग भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, हमारे पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये एस सुपरमैन, आपने ये लोगो देखा होगा। पॉर्शे का आप यहाँ पर ये लोगो देख सकते हैं, जो कि एक कार की एक ऑटो ब्रांड है, ठीक है। यहाँ पर आप ये डब्ल्यू भी देख सकते हैं आप, ठीक है। ये सारे हमारे पास बहुत ही ओल्ड, ये सारे प्रोडक्ट्स या कंपनीज आप इसका कह सकते हैं, तो ये काफ़ी ओल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमारे पास जो भी लोगो वगैरह क्रिएट होता था वो सब एमलेम लोगो ही था, ठीक है। देन उसके बाद जैसे ये हमारे पास एरा अपग्रेड होते गया, तो हमारे पास लोगों के टाइप्स भी वहाँ पर अपग्रेड होते गए, ठीक है। तो आप यहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोगो वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप भी अपने सिस्टम वगैरह के अंदर अपने जब गूगल पर आके आप एमलेम लोगो लिखेंगे, तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पर टाइप देखने को मिलेंगे एमलेम लोगो से, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, ये जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं वो ज़्यादातर एमलेम लोगोस को ही यूज़ करते हैं। और एमलेम लोगोस के अंदर क्या है, कोई आइकन, ठीक है, कोई शेप, कोई सैम्बल यहाँ पर यूज़ हो रहा होता है, उसके अंदर टेक्स्ट होता है, इमेजेस होते हैं, ठीक, कुछ इस टाइप के, ठीक है। यहाँ पर आप इसको चेक करें, ठीक है, ये काफ़ी जो है ना यूनिक सा यहाँ पर काम हुआ हुआ होता है। इस टाइप के हम इमेजेस का, ऐसे सैम्बल्स को हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, राउंड, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा राउंड टाइप हुआ हुआ होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको टेक्स्ट टाइप टूल जब हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे पाथ टूल था, टाइप पाथ टूल, जहाँ से हम अपने टेक्स्ट को राउंड में लिख सकते हैं, मतलब किसी भी पाथ पर हम अपने टाइप को, टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो एमलेम लोगों का ये थोड़ा सा थ्योरी है, ठीक है, जो कि हम किसी भी ओल्ड ट्रेडिशनल चीज़ें को लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, उस वक्त एमलेम लोगों के अंदर आपने इस बात का भी ख्याल रखना है, ठीक है, कि अगर जो आपका टेक्स्ट है वो टेक्स्ट आपका उसी आइकन के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है, उसी आइकन, किसी भी आइकन के अंदर, ठीक है, वो आपका टेक्स्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी आप इन सारे जितने भी यहाँ पर आपके, अगर आप इसको प्रॉम्प्ट कह लें या कोई टैग लाइन कह लें, ठीक है, तो वो टैग लाइन्स वगैरह या उस ब्रांड का नेम क्या है आपका उसी आइकन के अंदर ही है, उस सैम्बल, उस इमेज के अंदर ही आपका वो टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। तो आपने अपने टेक्स्ट को भी इसी तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। यहाँ पर भी आप चेक करें, जैसे कि यहाँ पर डार्ट माउथ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसने इसी तरीके से राउंड पर एक और यहाँ पर, अगर उसका जो भी आप इसको टैग लाइन भी कह सकते हो, उसने टैग लाइन यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी आपने ख़ास ख्याल रखना होता है एमलेम लोगों में। अच्छा, एमलेम लोगों को आपने अपने क्लाइंट से देखे, और अच्छा, क्लाइंट से आपने किस तरीके से बात करनी है, अभी मैं आपको ये भी आगे चल के बताऊँगा कि क्लाइंट से आपने उसके लोगों के बारे में क्या क्या चीज़ें पूछनी है, ठीक है, किस तरीके से आपने पूछनी है, और आपको क्या इसके बाद का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें के ऊपर भी अब हम बात करते हैं। एमलेम लोगों के अंदर क्या होता है कि ये जो हम एमलेम लोगों जब भी बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे एमलेम लोगों के अंदर ही हमारा टेक्स्ट भी होता है। अगर इसका टेक्स्ट, जो इसका लोगो है, वो हम अगर किसी भी नॉर्मल जगह पर लगा रहे हैं जहाँ पर उसकी साइज़, मतलब इस तरीके से कि हम उस चीज़ को देखकर पढ़ सकें, उसका टेक्स्ट को हम पढ़ सकें, ठीक है, देन वहाँ तक तो ये चीज़ें ठीक है। देन अगर हम इसको, इसके इसके साइज़ को अगर हम बिल्कुल स्केल डाउन कर दें, इसके साइज़ को बहुत ही कम कर दें, तो वहाँ पे चीज़ें क्या होती है, जो टेक्स्ट लिखा होता है वो हमें सही से रीडेबल नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग मेरी स्क्रीन पर देखें, ठीक है, तो ये जो हमारे पास इस टैब का जो एक पहला आइकन आ रहा है, इसको हम फैब आइकन कहते हैं, ठीक है, तो ये गूगल का आइकन है, लेकिन यहाँ पर आप चेक करेंगे गूगल नहीं लिखा हुआ है, ओनली यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, जी। और ऐसे आप जी को अगर देख रहे हैं, तो आपके माइंड में ये आ जाना कि ये हमारे पास गूगल का लोगो है, ठीक है। यहाँ पर भी आप चेक करें, मीट का लोगो आ रहा है। तो जब हम अपने साइज़ को जितना स्केल डाउन करेंगे, तो हमारा टेक्स्ट क्या होगा, रीडेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपने अपने क्लाइंट से इसकी रिक्वायरमेंट को पूछ लेनी है कि आप इस लोगो को कहाँ कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है, वरना अगर आप इसको स्केल डाउन कर देंगे,
और आप इसी आइकन्स को अगर आप फैब आइकन पर या किसी भी स्मॉल जगह पर आप यूज़ करेंगे तो जो इसके अंदर का टेक्स्ट है वो कभी भी रीडेबल नहीं रहेगा, ठीक है, वो बिल्कुल ब्लर हो जाएगा और पिक्सलेट हो जाएगा। तो वहाँ से जो हमारी आइडेंटिटी होती है, ठीक है, जो हम कोई भी चीज़ पोर्टफोलियो वगैरह होती है हमारी, वहाँ से ख़राब हो जाती है। तो ये आपने क्लाइंट से जब भी आप कोई लोगो बनाएं तो आपने लाजमी उनसे इस बात का ख्याल रखना, ये चीज़ लाजमी पूछनी है कि जो आप ये लोगो बना रहे हैं इसको आपने कहाँ और किस जगह पर यूज़ करना है। देन आप उसी हिसाब से लोगो को क्रिएट करोगे और उसके फाइव आइकन्स को या कोई भी लोगो जहाँ पर वो स्मॉल से स्मॉल जगह उस चीज़ को यूज़ कर सके। क्लियर है यहाँ तक? एम्ब्लम लोगो आपको समझ में आया? ठीक, अच्छा, एम्ब्लम लोगो को हम बैच लोगो भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे क्लाइंट ये कहता है, रिक्वायरमेंट ये होती है क्लाइंट की कि भाई मुझे बैच लोगो बनवाना है, तो आपने ये समझ जाना है कि वो एम्ब्लम लोगो की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। और एम्ब्लम लोगो को बहुत ऑटोज़ वाला भी यूज़ ऑटो पार्ट्स वगैरह या बहुत यूज़ कर रहे थे, जैसे ये BMW है, ठीक है, आप लोगों ने ऑडी का देखा होगा, ठीक है, आप लोगों ने जैसे कि फरारी टाइप का जो लोगो है, आपने फरारी का भी लोगो देखा होगा, वो किसी ना किसी आइकन्स के अंदर ही वो किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं या अपने टेक्स्ट वगैरह को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स का ऑप्शन आ रहा है, या आपने काफ़ी कार्टून्स वगैरह के जब आप कार्टून्स वगैरह देखते हैं तो ये जो पहला आपको इंट्रो मिल रहा होता है वो वार्नर ब्रोस का मिल रहा होता है, ठीक है, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो। NFL का आप लोगों ने लोगो देखा होगा, ठीक है। देखिए ये भी किस तरीके का एक आइकन है, आइकन्स के अंदर यहाँ पर उसने ऑब्जेक्ट को भी यूज़ किया है और टेक्स्ट को भी यूज़ किया है। स्टारबक्स को आप अगर यहाँ पर चेक करें, स्टारबक्स जो बहुत ही मशहूर कॉफ़ी का एक ब्रांड है, ठीक है, इसने भी क्या यूज़ किया हुआ है, एक राउंड एक शेप है हमारे पास सर्कल, उसके अंदर इन्होंने टेक्स्ट को भी ऐड किया हुआ है और सेंटर पर यहाँ पर उनका एक मेन आइकन भी आ रहा है। और ये आइकन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टारबक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट और एक थ्योरी होती है हर लोगों को क्रिएट करने के लिए। देन उसके बाद अच्छा, यहाँ पर हम एम्ब्लम लोगो भी कहते हैं, इसको बैच लोगो भी कहते हैं और सील्स लोगो भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप सील्स भी लिखें तो आपको सेम इसी तरीके से लोगो मिलेगा, ठीक है। ये देखें सील्स लोगो, इसके अंदर भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि वही हमारे पास आइकन है और आइकन्स के अंदर ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट को हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो सील्स लोगो भी हम एज अ एम्ब्लम लोगो को ही कहते हैं। ये देखिए जो हमारे पास यहाँ पे दूसरा टाइप है लोगो का, उसका नाम है लेटर मार्क, ठीक है। अब लेटर मार्क लोगो को हम कब यूज़ करते हैं और ये किस तरीके के ये लोगो होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप चेक करें और जैसे कि यहाँ पर ये HBO आ रहा है, ठीक है, हमारे पास NASA है, CN है, हमारे पास CNN है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या है? लेटर मार्क लोगो हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों ने शायद NASA का नाम बहुत सुना होगा, ठीक है, जो स्पेस रॉक की कंपनी है NASA, तो आपको ये पता है कि ये NASA ही इसका नाम है इस कंपनी का, ठीक है। या तो अगर मैं यहाँ पर आपको ये ओपन कर दूँ इस इमेज को, ठीक है, यहाँ से आपको ये डिटेल में समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर चेक करिए जितने भी हमारे पास लेटर मार्क लोगो आ रहे हैं, जैसे कि HBO आ रहा है हमारे पास, HP है, CN आ रहा है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे NASA है, CNN है, IBM है, EA है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे LG है, KFC है। तो इनका मकसद क्या था? एक लेटर मार्क लोगो बनाने का, ठीक है। जब भी अगर आपके कंपनी नेम के अंदर अगर आपके जो लेटर्स हैं वो काफ़ी इनिशियल यानी कि काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा हों या काफ़ी इंक्रीज हुए हुए हों, ठीक है, मतलब के उनके साइज़ उनके अंदर स्पेसिंग ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, तो आप वहाँ पर लेटर मार्क लोगों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लेटर मार्क के अंदर क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई वर्ड है, 3 से 4 वर्ड्स हैं, ठीक है, होम बॉक्स ऑफिस, तो HBO ने यहाँ पर क्या किया, हर वर्ड से इनिशियल लेटर्स को इन्होंने पिक किया, जैसे कि होम से H को, बॉक्स से B को और ऑफिस से O को, और यहाँ पर उन्होंने HBO यहाँ पर उन्होंने लाजमी क्या क्या यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया, एक लेटर मार्क लोगो HBO के नाम से, ठीक है। तो अक्सर बंदों को यहाँ पर HBO लोगो के ही पता हो, उनका नाम शायद वो HBO ही पढ़ते हो, लेकिन दरअसल उनका प्रॉपर नाम क्या है, होम बॉक्स ऑफिस,
ठीक है। अब यहाँ पे एचपी का आपने काफी ब्रांड नेम सुना होगा, क्या आपको इसका फुल नेम पता था? एचपी ही इस कंपनी नेम है? नहीं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, हुलेट पैकर्ड इसका यहाँ पर फुल नेम है। पीएन तो शायद आप लोगों को पता हो, कार्टून नेटवर्क, ठीक है। मैं अगर नासा की बात करूँ तो ये काफी ब्रांडेड का कंपनी है, ठीक है। तो जो इसका फुल नेम है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, नेशनल से एन, एरोनॉटिक्स से ए, और दोबारा स्पेस से ए एस, और एडमिनिस्ट्रेशन से ए, यहाँ पर उन्होंने लेटर्स को पिक करके एक शॉर्ट फॉर्म लोगो क्रिएट किया, ठीक है। तो दरअसल लेटर मार्क के अंदर होता क्या है कि हम जो हमारी कंपनी का नेम होता है हम उनको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। उनको हम क्या करते हैं, शॉर्ट बिल्कुल करके एक लोगो क्रिएट करते हैं, और जो लोगो के टाइप क्या कहलाते हैं, लेटर मार्क लोगो, ठीक है। यहाँ पर आप CNN को देख सकते हैं कि केबल न्यूज़ नेटवर्क के नाम से ये लोगो है हमारे पास, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, EA इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, तो ये सारे हमारे पास कुछ लोगों से जिनको हम लेटर मार्क लोगो कहते हैं, ठीक है। लेटर मार्क लोगो हम उस वक्त क्रिएट करते हैं जब हमारे कंपनी का नेम काफ़ी बड़ा हो, ठीक है, पढ़ने में काफ़ी वो बड़ा हो, ठीक है, और वो प्रॉपर लोगो ना लगे, अगर हम उसको टाइप करें तो एक सेंटेंस हमें लगे, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, लेटर मार्क लोगो को क्रिएट करते हैं। और जब भी हम लेटर मार्क लोगो क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी न्यू कंपनी के लिए, तो आपने वहाँ पे लाजमी ये काम करना है, अगर आप उसका लेटर मार्क लोगो बना रहे हैं तो उसी के नीचे आपने उसका फुल फॉर्म भी टाइप करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर CNN है तो केबल न्यूज़ नेटवर्क, आपने नीचे सी के नीचे केबल, एन के नीचे न्यूज़ और एन के नीचे नेटवर्क, ये लाजमी टाइप करना है ताकि उस कस्टमर को उसका प्रॉपर नेम पता चले, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म तो इसलिए बना रहे ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा स्मॉल हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी एक न्यू कंपनी है तो हम उसके नाम को, उसके ब्रांड, उसका ब्रांड, उसको ब्रांड किस तरीके से बना सकते हैं, जब भी कोई भी ब्रांड बनता है तो वो अपने नेम से बनता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने लेटर मार्क लोगो की अगर मैं और आपको और टाइप्स बताऊँ, तो ज़्यादातर जो लेटर मार्क लोगो होता है, ठीक है, वर्ड मार्क और लेटर मार्क जो लोगो होता है वो फोटोग्राफर या डिज़ाइनर्स लोग काफ़ी लोगों को यूज़ करते हैं अपने ब्रांड के लिए, ठीक है, ताकि उनका नेम, उनका जो ब्रांड है, ठीक है, वो उनके नेम से क्या हो जाए, जाना जाए। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि CNN है आपके पास, ये काफ़ी फेमस न्यूज़ नेटवर्क के, तो जब भी अगर CNN ने पहला लोगो बनाया होगा तो लाजमी उन्होंने यहाँ पर केबल न्यूज़ नेटवर्क को यहाँ पर मैंशन किया होगा अपने लोगो के अंदर, ठीक है। या IBM भी अगर उन्होंने लोगो क्रिएट किया होगा तो उन्होंने लाजमी नीचे यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया होगा अपने लोगों के साथ, ताकि लोगों को पता चले कि दरअसल IBM जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, जो कंपनी का फुल नेम है वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। जैसे कि EA यहाँ पर आ रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स आर्ट, ठीक है, तो ये EA नहीं है, दरअसल ये इलेक्ट्रॉनिक्स आर्ट्स है ये कंपनी ने, ठीक है, ये तो एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। जैसे नासा है, हमारे पास HBO है, HPA और CN है, ठीक है। तो लाजमी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और एम्बलम लोगों को हम मोनोग्राम लोगों भी कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं मोनोग्राम लोगो टाइप करूँ तो मोनोग्राम के अंदर क्या फ़र्क है, अगर आप चेक करें यहाँ पर, तो मोनोग्राम्स के अंदर ये डिफरेंस है कि ये भी लेटर मार्क लोगो ही होता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा जो काम होता है थोड़ा सा यूनिक क्रिएटिव काम होता है। इसलिए अगर यहाँ पर आप इसको रीड करें तो ये RFE है, लेकिन इसके अंदर काम थोड़ा सा यूनिक हुआ हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर और भी आप काफ़ी सारे लोगों को देखें तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, काफ़ी यूनिक सा काम हुआ हुआ है, ठीक है। जैसे कि QF, हमारे पास मोनोग्राम लोगो आ रहा है, ठीक है, उसके बाद FU, SF, FK, ठीक है, तो इस टाइप के है यहाँ पर। और भी अगर मैं आपको ब्रांड देख रहा हूँ, तो ये आपने यहाँ पर चैनल सुना होगा, आपने गुच्ची का काफ़ी ब्रांड नेम आपने सुना होगा, LG, जैसे कि हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं NY, लुइस न्यूट्रिशन, ये काफ़ी ब्रांडेड कंपनी है। इन्होंने क्या काम किया, वी और एल को यहाँ पर थोड़ा सा मर्ज करके क्रिएट किया हुआ है, एन और वाई भी सेम हमारे पास इसी तरीके से, ये थोड़ा सा जो है ना हमारे पास मोनोग्राम लोगो कहलाते हैं, जिनमें हम वर्ड्स को कंबाइन कर देते हैं, आपस में मर्ज करते हैं, ठीक है, आपस में मर्ज कर रहे होते हैं अपने लेटर्स को, अपने वर्ड्स को, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक? ओके जी। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड टाइप है लोगों का वो है वर्ड मार्क लोगो, ठीक है। वर्ड मार्क लोगो जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, पहले ही हमारे पास गूगल, फिडेक्स, कोको कोला और टॉयज रस का यहाँ पर हमारे पास नेम आ रहा है, ठीक है, लोगो आ रहा है। तो वर्ड मार्क लोगो के अंदर क्या होता है, और ये शॉर्टली
अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो लोगों के अंदर हम फॉन्ट पेजेस को बहुत ही मायने रखती है यहाँ पर फॉन्ट पेज। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेक करें तो जो भी काम हुआ है यहाँ पर फॉन्ट पेजेस का ही काम हुआ हुआ है। ठीक है, जैसे अगर आप गूगल की बात करें तो ये सैरिफ फॉन्ट है, ठीक है, सेंस सैरिफ सॉरी, जिसके अंदर टाइल्स हमारे पास नहीं होता है। अगर आप टूडेक्स की बात करें ये भी सेंस सैरिफ, अगर आप कोकोला की बात करें तो यहाँ पर आपके पास ऐसा कैलीग्राफिक यहाँ पर काम हुआ हुआ है। ठीक है, जैसे हम पिछले क्लास में बात कर रहे थे कैलीग्राफिक की, यहाँ पर जो हमारा लोगो है वो क्या कैलीग्राफिक फॉन्ट फेसेस का, तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा फनी टाइप का हमारे पास फॉन्ट फेसेस है। ठीक है, किड्स टाइप पर अगर कोई भी हमारा ब्रांड किड्स टाइप का होता है, किड्स या कोई भी फनी एंटरटेनमेंट, तो हम यहाँ पर थोड़े बहुत इस टाइप के फॉन्ट फेसेस को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और आपने एक बात का लाजमी ख्याल रखना, जब भी आप वर्ड मार्क लोगो आप क्रिएट करें, ठीक है, तो आपने उसकी ट्रेंडिंग फॉन्ट को ही यूज़ करना है जो कि ट्रेंड पे रहे। ठीक है, अब आप यहाँ पर गूगल पर आके सर्च भी कर सकते हैं कि सेंस सेरिफ ट्रेंडिंग फॉन्ट इन 2023, तो यहाँ पर ये आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देगा गूगल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं जिनको हमें नाम, जिनका फॉन्ट पेज जो नेम होता है वो हमें याद नहीं रहता है, तो हम यहाँ पर गूगल पर आके उसे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ही हमें जो अभी ट्रेंडिंग सेंस सैरिफ फॉन्ट जो हमें प्रोवाइड कर रहा है, किटी राउंड न्यू का एक, किटी ट्रेवल्स नेक्स्ट एंड किटी फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें अभी हमारे पास ट्रेंडिंग पे चल रही हैं। 15 बेस्ट मॉडर्न सेंस सैरिफ फॉन्ट्स, ठीक है, ये हमारे पास ट्रेंडिंग पे चल रहा है। आप इस वेबसाइट पर काफ़ी सारे आपको यहाँ पर गूगल लिंक्स प्रोवाइड करेगा, आप यहाँ पर आके ट्रेंडिंग फॉन्ट्स को चूज़ कर सकते हैं अपने लोगों के लिए। ठीक, और वर्ड मार्क लोगो भी मैं यही बात कर रहा हूँ कि वर्ड मार्क लोगो कब आपको बनाना है कब नहीं बनाना है। ठीक है, आपको उस वक्त नहीं बनाना है जब आपके जो कंपनी का नेम है वो काफ़ी लेंथी है। ठीक है, काफ़ी लेंथी है, तो आपने वहाँ पे वर्ड मार्क लोगो को कभी भी यूज़ नहीं करना है। अगर आपकी कंपनी नेम थोड़ा सा शॉर्ट है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल है हमारे पास, कोको कोला, ठीक है, टॉयस रस, ये थोड़ा सा शॉर्ट हमारे पास नेम है। ठीक है, इसके अंदर वर्ड्स भी काफ़ी कम है। ठीक है, वर्ड्स में बात करें लेटर्स काफ़ी कम है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने उस टाइम यहाँ पर वर्ड मार्क लोगों को यूज़ करना है। अगर आपके वर्ड काफ़ी जो है ना लेंथी है तो वहाँ पर आप वर्ड मार्क लोगों यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर करोगे भी तो वो मज़ा नहीं करेगा, क्योंकि जब भी आप अगर लोगों कहीं पर भी एडजस्ट करोगे शायद आपकी वो पूरी लाइन या हाफ लाइन आपकी जो है ना लोगों से ही वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, और आपने ट्रेंडिंग फॉन्ट्स को यहाँ पर यूज़ करना है लाजमी। ठीक है, अगर आपको ट्रेंडिंग फॉन्ट्स के बारे में नहीं पता हो तो आप यहाँ पर गूगल पे आके ट्रेंडिंग फॉन्ट्स अगर आप देखो तो गूगल आपको यहाँ पर काफ़ी सारे सेंस सैरिफ के यहाँ पर देखो ट्रेंडिंग फॉन्ट्स आपको प्रोवाइड करा, जो कि 2023 के अंदर ट्रेंडिंग पर चल रहा है। ठीक है, आप इन फॉन्ट फेसेस को यूज़ कर सकते हो, और वर्ड मार्क लोगो भी ज़्यादातर वो कंपनी जो न्यू कंपनी होती है वो यूज़ कर रहे होते हैं। क्यों यूज़ करते हैं वर्ड मार्क लोगो को? ताकि जो उनका नेम है वो ब्रांड बन सके। ठीक है, अच्छा, ब्रांड कब किससे बनते हैं? आपके नेम से। जब आपके लोगों के अंदर आपका प्रॉपर नेम होगा, ठीक है, तो लोग आपके नेम को ही पढ़ेंगे। और जब भी वर्ड मार्क लोगों को ज़्यादातर डिज़ाइनर और फोटोग्राफर वगैरह यूज़ करते हैं, तो क्योंकि उनको अपने नेम को ही एक ब्रांड बनाना होता है। ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी जगह का खादी है हमारे पास, सनत अफनाज है, ठीक है, जूनियर जमशेद है, इनके जितने भी लोगो हैं वो कोई भी सैम्पल वाइज नहीं है बल्कि एक टेक्स्ट वाइज है फॉन्ट पेज जहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, गुल अहमद है, आइडियाज़, ठीक है, वहाँ पर सारे हमारे पास वर्ड मार्क लोगो यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश करना है कि जब भी अगर कोई न्यू कंपनी है, ठीक है, आप वहाँ पर उनको सजेस्ट करें कि भाई आप वर्ड मार्क लोगो क्रिएट करें ताकि जो आपका नेम है वो ब्रांड बन सके। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? परफेक्ट। अच्छा जी, देन उसके बाद हम अपने फोर्थ टाइप के ऊपर चलते हैं, ठीक है, जिसका नाम है पिक्टोरियल मार्क लोगो। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं पिक्टोरियल लोगो लिखूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पिक्टोरियल के लोगो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे चेक करें, हमारे पास ट्विटर है, टारगेट है, शेल है, हमारे पास WWF आ रहा है, एप्पल, ठीक है, डोमिनोज पिज़्ज़ा, प्यूमा, स्नैपचैट, फायरफॉक्स। तो पिक्टोरियल मार्क लोगों के अंदर क्या होता है कि जो हमारे कंपनी का नेम होता है उसी से रिलेटेड हमें अपने आइकन्स को क्रिएट करना होता है।
ठीक है, जो भी हमारा या तो प्रोडक्ट या आपका कंपनी नेम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे चेक करें ट्विटर, तो उन्होंने क्या किया यहाँ पर ट्विटर एक बर्ड क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका अगर आप ट्विटर को भी यहाँ पर टेक्स्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तो ये आपका जो आइकन, ये जो आपका सिंबल है, वो इस चीज़ को आपके नेम को यहाँ पर मतलब के आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। जहाँ पर आपका एक बर्ड टाइप हुआ हुआ है, ठीक है, और इस बर्ड को आप देखिए यहाँ पर एज अ ट्विटर आप इसको समझ सकते हो, एज अ ग्राफिकल आर्ट है ये। इसके अंदर अगर आप टेक्स्ट नहीं भी यूज़ करो, तो जो आपने ग्राफिकल आर्ट बनाया है उससे उसे कस्टमर समझ सके कि वो किस चीज़ के लोगो है या उसका प्रोडक्ट क्या है, वो क्या सर्विसेज दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर टारगेट है, टारगेट नेम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा आर्ट बना हुआ है वो भी टारगेट का आइकन ही बना हुआ है, ठीक है। इसको हम एज अ पिक्टोरियल आर्ट या सैम्बल मार्क लोगो भी कहते हैं, जिसके अंदर हम सैम्बल क्रिएट कर रहे होते हैं। आप शेल यहाँ पर देखिए, शेल पेट्रोल पंप, ठीक है, इसने शेल टाइप का एक यहाँ पर पिक्टोरियल मार्क लोगो क्रिएट किया हुआ है, शेल जिसके अंदर उसका यहाँ पर उसने आइकन सैम्बल्स यूज़ किया हुआ है, ठीक है। WWF को आप यहाँ पर देखें, एप्पल आप यहाँ पर देख के समझ सकते हैं, हमारे पास एप्पल नेम भी आ रहा है और यहाँ पर एप्पल का सैम्बल भी है। तो आप इस कंपनी नेम पढ़ो या इस एप्पल को देखोगे तो आपके जहन में एक ही चीज़ आएगा, एप्पल, ठीक है। डोमिनोज पिज्ज़ा, जहाँ पर उन्होंने डोमिनोज को भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है, अपने नेम के अंदर आप पूमा देख सकते हो, ठीक है, उन्होंने आर्ट क्रिएट किया हुआ है एक पूमा का, ठीक है। स्नैपचैट, फायरफॉक्स के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है, फायर उसने यहाँ पर, आप अगर इसको जूम करो, ठीक है, अगर आप इसको प्रॉपर में थोड़ा सा इसको जूम कर दो, तो आप फायरफॉक्स के अंदर देखो जो इसका लोगो है, फायर का भी यहाँ पर आपको सैम्बल मिल रहा है, फायर टाइप का, और फॉक्स भी यहाँ पर आप चेक करो, ये जो सैम्बल आ रहा है आपके पास फॉक्स बना हुआ है, ठीक है, फायरफॉक्स। तो पिक्टोरियल मार्क के अंदर क्या होता है, जो हमारा नेम है कंपनी का, उसी के बिहाफ पे हम आइकन भी क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फूड पांडा की, ठीक है, हमारे पास फूड पांडा, उन्होंने नेम को यूज़ किया हुआ है, फूड अगर आप वहाँ पर देखो, और पांडा, पांडा का उन्होंने आइकन क्रिएट किया हुआ है। तो इस तरीके से हम अपने कंपनी या किसी भी क्लाइंट के लिए लोगो वगैरह क्रिएट करते हैं उनके ब्रांड के लिए। देन उसके बाद हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो है, एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो की बात करूँ, तो आपको भी यहाँ पर काफ़ी सारे, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारे यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पेप्सी है हमारे पास, मर्सिडीज़ बेंज का लोगो आ रहा है, ठीक है, हमारे पास नाइक का लोगो है, ठीक है, ये बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन जो कि आपको पता होगा, ठीक है, एडिडास एजी है हमारे पास, ठीक है, स्टारबक्स कॉरपोरेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं पेप्सी की बात करूँ, ठीक है, कि एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो कब हम बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, अगर मैं पेप्सी की बात करूँ, तो पेप्सी एक क्या है, एक बेवरेज कंपनी है कोल्ड ड्रिंक की। लेकिन आपको इस लोगो को देख के आपको ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि ये लोगो किस टाइप का है, मतलब कि ना ही इसके अंदर कोई बेवरेज टाइप या कोई कोल्ड ड्रिंक है, कोई लिक्विड टाइप के यहाँ पर कोई भी हमें वाइब मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो बिल्कुल ही हट के है, ठीक है, जो कि हमारे कंपनी के लिए एक सैम्बल, आप इसको एक बिल्कुल हट के एक सैम्बल आप क्रिएट करते हैं अपने कंपनी के लिए, ठीक है। और उस वक्त आप एब्स्ट्रैक्ट मार्क को यूज़ करते हैं जब आपका कोई भी कंपनी जो है वो ब्रांड बन चुकी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, पेप्सी के अगर मैं लोगों की बात करूँ ओल्ड, तो उस हर पेप्सी के लोगों में क्या था ओल्ड, कि उन्होंने पेप्सी को भी मेंशन किया हुआ था, ठीक है, उन्होंने उस लोगों के अंदर पेप्सी को भी मेंशन किया हुआ था, जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। और भी ये देखें, उन्होंने क्या किया हुआ था, पेप्सी के नेम को उस लोगों के अंदर मेंशन किया हुआ था। देन जब पेप्सी का लोगो ब्रांड बनते गया, तो उन्होंने इस पेप्सी को हटा के एक ओनली आइकन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया, ताकि अब कोई भी अगर इस लोगो को देखे तो वो पेप्सी ही समझे। इसके अलावा यहाँ पर आप नाइकी का लोगो देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं से भी आपको शूज़ का ब्रांड अगर आपको यहाँ से समझ में आ रहा हो कि ये शूज़ का ब्रांड है, लेकिन अगर आप इसके लोगो के अंदर वाइब चेक करें, तो ये किस चीज़ का यहाँ पर ये वाइब आपको प्रोवाइड कर रहा है भाई, एज अ सिम्बॉलिक, ठीक है, एज अ यहाँ पर वो शूज़ टाइप का जो हमारे पास होता है उस टाइप का यहाँ पर वो आपको वाइब क्रिएट करके दे रहा है। तो ये थोड़ा सा जो है ना पीछे लोगों के पीछे सबका माइंड होता है, ठीक है, कि लोगो हमारा किस तरीके से, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बीपी का लोगो भी क्रिएट करना सिखाया था, ठीक है, पेप्सी का भी,
ठीक है। एडिडास का भी मैंने आपको लोगो क्रिएट करना सिखाया है, ठीक है, प्रैक्टिस के दौरान जब हम पढ़ रहे थे शायद पाथफाइंडर टूल वगैरह, तो आपने अगर वो इसकी लाजमी प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपका हाथ थोड़ा सा साफ हो, ठीक है। तो ये होता है भाई एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो, जिसके अंदर क्या होता है कि हम एडोबी कंपनी जैसे आपकी आ रही है, ठीक है, यहाँ पर मास्टर कार्ड है आपके पास, ठीक है, NBC का आप यहाँ पर लोगो चेक कर सकते हैं। तो ये लोगो हमारे ना ही प्रोडक्ट से और ना ही कंपनी नेम से मैच कर रहा है, ये बिल्कुल ही हट के एक लोगो हम क्रिएट करते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो हमारा कहलाता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है भाई मास्कट लोगो, ठीक है। मास्कट भी कोई क्या कहते हैं, सो कोई मास्कट कहते हैं, आप कुछ भी इसको कह लें, ठीक है, मास्कट लोगो। और अगर मैं क्रिएट इंटर हिट करूँ तो मास्कट लोगो के अंदर क्या होता है, यहाँ पर मैं हम अपने लोगो के अंदर एक आर्ट या कोई भी एक फेसेस वगैरह को हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको और इससे आसान एग्जाम्पल दिखाऊं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास KFC का एक लोगो है, प्रिंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, इस KFC के लोगों के अंदर और प्रिंगल्स के लोगों के अंदर एक आर्ट, एक करेक्टर, ठीक है, ये यूज हुआ है। अब मास्कट लोगों को हम उस वक्त क्रिएट करते हैं जब हम हमारी जो कंपनी हो, ठीक है, वो फन टाइप की हो या फूड से रिलेटेड हो या थोड़ी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, देन वहाँ पर हम जाके अपने मास्कट लोगों को क्रिएट करते हैं। और अगर हमें अपने लोगों के अंदर कोई एनिमेशंस को ऐड करना हो, मतलब अपने लोगों को एक एनिमेट करना हो हमें, जैसे आप लोगों ने जियो का, अगर आप लोगों ने लोगो देखा हो तो जियो का एक कार्टून भी है, ठीक है, आप लोगों ने लाजमी देखा होगा जियो का कार्टून। तो अगर आपको इस टाइप का लोगो क्रिएट करना है जिसके अंदर आपको एनिमेशन करवानी है और आपका जो बिजनेस है वो फन टाइप का है या फूड से रिलेटेड है या एंटरटेनमेंट टाइप, तो वहाँ पर आप ऐसा मास्कट लोगो को चूज़ कर सकते हो। या अगर आप कोई किड्स से रिलेटेड, चाइल्ड वर्क से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विसेज अगर आप लॉन्च करते हो, तो वहाँ पर भी आप मास्कट लोगो को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एनिमेशन है, ठीक है, करेक्टर जो आपके पास जितने भी किड्स हैं वो किस चीज़ से एंगेज हो रहे होते हैं, किसी करेक्टर से, किसी फन टाइप की चीज़ों से वो आपसे एंगेज हो रहे होते हैं। तो या कोई रेस्टोरेंट टाइप अगर आपके भाई कोई ब्रांड है, तो वहाँ पर भी आप मास्कट लोगो को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर प्रिंगल्स, हमारे पास चिप्स है, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि उन्होंने भी एक मास्कट लोगो को यहाँ पर यूज़ किया हुआ, एक आइकन क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पीछे जो है ना, अच्छा पीनट है हमारे पास, ये आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा पीनट, ठीक है, हमारे पास पहले एक प्रोडक्ट आता था, देन हम वहाँ पर यूज़, ये देखिए इसका भी एक लोगो, इसके अंदर भी एक एनिमेशन हो सकती है, एक कार्टून कैरेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो आपका जब भी अगर कोई बिजनेस फन टाइप फूड एंटरटेनमेंट या किड्स से रिलेटेड हो, तो वहाँ पर आप ऐसा मास्कट लोगो भी यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं मास्कट लोगो को, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर एंड्रॉयड देख सकते हैं, ठीक है, एंड्रॉयड का लोगो आ रहा है हमारे पास, ग्रीन जायंट का यहाँ पर एक लोगो आ रहा है, ठीक है, लास्ट का हमारे पास यहाँ पे एक लोगो आ रहा है। तो आप यहाँ पर लोगों को देख के मतलब इनसे इंस्पायरेशंस वगैरह आप ले सकते हैं, आइडियाज़ वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास जो लास्ट, हमारे पास जो सेवन टाइप्स ऑफ, जो मेन लोगों के टाइप्स है, सेवन टाइप्स ऑफ लोगों, उसका जो लास्ट पार्ट है वो है हमारा कॉम्बिनेशन मार्क। ठीक है, कॉम्बिनेशन मार्क लोगों के अंदर क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट और हमारे प्रोडक्ट का नेम दोनों आपस में रिलेट कर रहा हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं पिज्ज़ा हट या बर्गर किंग, तो आप बर्गर किंग के अंदर देखें, इन्होंने जिस तरीके से लोगों को क्रिएट किया, बर्गर किंग हमारे पास इसका टेक्स्ट भी है, और प्लस जो बर्गर के जो बन होते हैं वो टॉप पे यहाँ पर उन्होंने उसको भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। पिज्ज़ा हट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि उन्होंने एक हट का एक यहाँ पर ट्यूटोरियल का एक आइकन दिया हुआ, नीचे यहाँ पर पिज्ज़ा हट आप टारगेट को देख सकते हैं। आप यहाँ पर रोलेक्स देखें कि भाई रोलेक्स लिखा हुआ, रोलेक्स से रिलेटेड यहाँ पर एक आइकन यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। मास्टर कार्ड आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है ना कॉम्बिनेशन मार्क लोगो भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका टेक्स्ट और जो आपका आइकन है वो दोनों आपस में मैच कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो उस चीज़ पर जाके, तो आप वहाँ पर एज अ कॉम्बिनेशन मार्क लोगो भी क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो अपने क्लाइंट के लिए। तो ये है हमारे पास सेवन टाइप्स ऑफ लोगो, मेन सेवन टाइप्स ऑफ लोगो, जिनमें
एम्बलेम लोगो, लेटर मार्क लोगो, वर्ड मार्क लोगो, पिक्टोरियल मार्क लोगो, एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो, मास्कोट लोगो और कॉम्बिनेशन मार्क लोगो, ये 7 टाइप्स हमारे पास लोगो है मेन। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ हमारे पास टाइप्स हैं, ठीक है, जिनको अभी मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई? ठीक है जी, परफेक्ट। देन आगे चलते हैं, यहाँ पर मैं आपको कुछ उसके बाद जो हमारे पास लोगों के टाइप्स है वो मिनिमल है। ये अगर मैं आपको यहाँ पर मिनिमल लोगो दिखाऊं, तो मिनिमल लोगो के अंदर क्या है कि हम नेम से रिलेटेड या किसी भी आर्ट से रिलेटेड या किसी भी फेस से रिलेटेड यहाँ पर हम करेक्टर को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करो, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा स्कोप पर ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम अपने आर्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो न्यू कैट। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कैट का एक यहाँ पर ऐड किया हुआ आइकन, और काफ़ी जो है ना बिल्कुल ही ये नॉर्मल सा होता है, कोई ज़्यादा ज़्यादा हम इसमें 1 से 2 कलर्स यूज़ कर रहे होते हैं मिनिमल्स वगैरह के अंदर। ठीक है, ये देखें आप यहाँ पर डियर टाइप का यहाँ पर हमारे पास ये लोगो आ रहा है मिनिमल टाइप का। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ग्लासेस का यहाँ पर लोगो आ रहा है, ठीक है, मिनिमल टाइप का। हाई टावर, ठीक है, यहाँ पर अर्बन बिट का यहाँ पर लोगो है। तो आप यहाँ पर आप फ्लाइट गोरिल्ला टाइप का आप लोगो चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे पास मिनिमल लोगो हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके अलावा हमारे पास एक और लोगो है जो कि बहुत ही जो है ना फेमस लोगो, ये 2019 से काफ़ी ट्रेंडिंग पर चल रहा है मिनिमल लोगो और नेगेटिव स्पेसिंग लोगो। ठीक है, नेगेटिव स्पेस लोगो, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं किसी भी दो करेक्टर्स को यहाँ पर ये यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि फॉक्स केस आप यहाँ पर देखें, तो फॉक्स केस पब्लिशर, अगर आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दो करेक्टर को हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं उस हमारे नेम्स के हिसाब से कि यहाँ पर हमारे पास फॉक्स भी बना हुआ है, ठीक है, और पब्लिशर, पब्लिशर के अंदर इन्होंने क्या किया कि एक नीप का यहाँ पर एक आइकन ऐड किया हुआ है। ठीक है, पेन का जो नीप होता है, ठीक है, सेम यहाँ पर आप फेडेक्स पे यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हमारे पास कुरियर की कंपनी है, इन्होंने यहाँ पर नाम देके इसके अंदर एक और आइकन, जैसे इन्होंने ई और एक्स जिस तरीके से मर्ज किया है, एरो का सिंबल फॉरवर्ड का, ठीक है, यहाँ पर ये कुरियर की कंपनी है। ठीक है, उसके अलावा भी अगर यहाँ पर मैं आपको कुछ और सैम्पल दिख रहा हूँ जो कि थोड़ा सा फेमस, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने दो आर्ट्स को रिलेट किया हुआ, एक डॉल्फिन हॉर्स को, ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक मैन और यहाँ पर एक हॉर्स है, ठीक है, हॉर्स राइडिंग वगैरह। तो ये हम यहाँ पर नेगेटिव स्पेस के अंदर किसी भी दो करेक्टर्स को आपस में मर्ज कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे फॉक्स है, टेक्स्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे फॉक्स का आप देख सकते हैं कि आइकन भी यहाँ पर रिलेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर पी के कैट हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं पी के अंदर कैट का यहाँ पर एक आइकन है। ठीक है, तो ये हमारे पास नेगेटिव स्पेसिंग दो लोगों के लाते हैं। फिर देन जो लास्ट लोगो हमारे पास है वो स्पेस सिग्नेचर लोगो। ये अगर मैं सिग्नेचर लोगो भी हमारे पास काफ़ी ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है अभी, तो ये जो लोगो होता है वो हमारा सिग्नेचर टाइप पे लोगो होता है। ठीक है, सिग्नेचर, तो अगर आपको सिग्नेचर टाइप के लोगो क्रिएट करने हैं तो आप फॉन्ट फेसेस को यूज़ कर सकते हो। आप आ जाओ द फॉन्ट के अंदर, ठीक है, यहाँ पर अगर आप आओ द फॉन्ट के अंदर, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फॉन्ट फेसेस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर टाइप के लोगो भी मिलेंगे, हैंड राइटिंग टाइप के भी आप यहाँ पर लोगो को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं सिग्नेचर लोगों को अगर ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने सिग्नेचर लिखा, आप देखो सिग्नेचर टाइप्स के हमारे पास काफ़ी सारे फॉन्ट फेसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इन फॉन्ट फेसेस को यूज़ करते हुए क्लाइंट के लिए सिग्नेचर लोगो भी बना सकते हो। ठीक है, और अगर आपको सिग्नेचर फॉन्ट फेसेस से रिलेटेड कोई मॉडर्न लोगो चाहिए तो आप गूगल पर आके टाइप कर सकते हो भाई ट्रेंडिंग सिग्नेचर फॉन्ट फेसेस इन 2023। ये आपको काफ़ी सारे जो है ना फॉन्ट फेसेस बता देगा जो कि अभी ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं, आप इन फॉन्ट फेसेस को यूज़ कर सकते हो, ये देखो। ठीक है, तो ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, अगर आप गूगल पर आगे अगर आप टाइप करते हो तो आपको काफ़ी सारे फॉन्ट फेसेस के नाम और भी मालूम हो जाएंगे और भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं कुछ लोगों के टाइप। तो
हम हर टाइप्स अपने क्लाइंट को नहीं बना के दे सकते, या कोई भी टाइप हम बिना सोचे समझे नहीं क्लाइंट को बनाकर दे सकते। इसके पीछे पूरी एक लॉजिक होती है, ठीक है, और उसी लॉजिक को हमें समझ कर अपने क्लाइंट को आगे रिकमेंड करना है कि आप कौन से टाइप के लोगो बनाए। या कभी कभार क्लाइंट्स आपको खुद से भी बता देते हैं कि भाई हमें इस टाइप का लोगो बनवाना है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास लोगो से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ लोगो, जिस आज की क्लास में हमने सीखा पढ़ा टाइप्स ऑफ लोगो के बारे में। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।